हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू यामा एफजेड एस के बारे में। गाइस यामा एफजेड एस वर्जन 3 में नए चेंजेस किए गए यामाहा की तरफ से। गाइस सभी बाइक में धीरे धीरे अपडेट होते जा रहा है, तो हम लोग सोच ही रहे थे कि यामाहा की एफजेड एस में भी कब तक अपडेट आएगा। तो फाइनली दोस्तों यामाहा की तरफ से इस बाइक में भी अपडेट किया गया है। देखिए बहुत सारे अपडेट किए भी गए हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों कोई मेजर अपडेट नहीं कह सकते। जो कि हमें उम्मीद थी पावर वाली, वो कोई अपडेट नहीं हुआ। हमें लग रहा था कि पावर बढ़ाया जाएगा, बट पावर में कोई अपडेट नहीं किया गया। लेकिन थोड़े बहुत अच्छे खासे अपडेट आपको यहाँ पे न्यू यामा एफजेड एस में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं न्यू यामा एफजेड एस के बारे में। चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब करना, बेल के अकाउंट को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन मतलब पहुँचते रह सकें आप मेरे अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं न्यू यामा एफजेड एस के बारे में। गाइस इस बाइक में ना सभी चीज़ें अच्छी है, सभी अच्छे अपडेट दिए गए, बट इस बाइक की जो सबसे बड़ी कमी है वो है बाइक की पावर। क्योंकि इस इंडियन मार्केट में 155 सीसी के हिसाब से अगर आप इस बाइक की अदर किसी ब्रांड की बाइक से कंपेयर करते हो ना, तो इसमें आपको पावर काफ़ी कम देखने को मिलता है। बस पावर की मुझे थोड़ी सी कमी लगती है, अगर इसमें अपडेट किया जाता तो ये बाइक और भी बेटर होती। चलिए बात करते हैं न्यू बाइक के बारे में, प्राइस क्या रखा गया मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल रहा है जहाँ तक मुझे पता है। एक आपको डिलक्स मॉडल मिल रहा है, एक नॉर्मल मॉडल मिल रहा है। गाइस डिलक्स मॉडल का जो एक्सरूम प्राइस रखा गया है वो रखा गया 1,18,900 रुपीज़, 1,18,900 रुपये एक्सरूम प्राइस रखा गया है। एंड जो नॉर्मल वेरियंट आ रही है, जो बेस मॉडल आप कह सकते हो, उसका एक्सरूम प्राइस रखा गया 1,15,900 रुपीज़। मतलब लगभग आप लोगों को 3,000 रुपीज़ के आसपास का जो डिफरेंस है वो दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों डिलक्स मॉडल के बारे में कि क्या क्या नई चीज़ें आपको यामा की एफजेड एस में देखने को मिली है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा डिलक्स मॉडल में आप लोगों को इसमें यामा का मोटरसाइकिल कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, ये फीचर आपको डिलक्स मॉडल में देखने को मिलेगा। यामा का ऐप आप इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद आप मोबाइल से अपने इसके स्पीडोमीटर में ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो और बहुत सारे फीचर्स का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो लास्ट टाइम पार्किंग कहाँ थी, बाइक को लॉक करना है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको उसके मोबाइल कनेक्टिविटी में देखने को मिलेंगे। नेक फीचर्स के नेक चेंजेस के बारे में बात करें तो आप लोगों को बाइक में न्यू एलईडी फ्लैशर लाइट देखने को मिल रही है, यानी कि न्यू इंडिकेटर लाइट देखने को मिलेगी जो कि एलईडी है। मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा था इस चीज़ को, बोलता था कि भाई जो ब्रांड है वो हमेशा अपनी बाइक में हमेशा इंडिकेटर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। यहाँ तक अभी आपको R15 V4 और MT15 में भी आपको एलईडी नहीं आता, बल्ब आते हैं इंडिकेटर्स में, लेकिन इसमें अब आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल गए हैं। नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों आप लोगों को बाइक में न्यू एलईडी टेल लाइट देखने को मिल रही है। और एलईडी टेल लाइट अगर आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं यामा की MT15 से ही इंस्पायर्ड है। और ये जो एलईडी टेल लाइट है मुझे काफ़ी अच्छी लगी गई अगर आप देखना चाहेंगे तो। नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों बाइक में आप लोगों को स्टैंड में इंजन कट ऑफ स्विच दिया गया है। अब ये क्या होता है आप लोगों को बता दूँ, सिंपल है भाई, जो इंजन किल स्विच होता है वो यहाँ पे आपको स्टैंड में भी देखने को मिलेगा। जब तक आप स्टैंड नहीं उठाएंगे आपकी बाइक ऑन नहीं होगी, स्टैंड डाल देंगे तो जो आपकी अगर आपकी बाइक ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगी। तो एक नया अपडेट आपको इसमें ये भी देखने को मिला है। इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को न्यू व्हील देखने को मिला है। जी हाँ, व्हील का जो कलर है ना वो आपको काफ़ी अच्छा कलर जो कि गोल्डन कलर में देखने को मिल रहे हैं जनरली, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पूरी बाइक को देखोगे तो यहाँ पे गोल्डन कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और लगभग 3D लोगो टाइप का यूज़ किया गया। और ये जो कलर ऑप्शन है आप सामने से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वैसे दोस्तों अगर आप देख पा रहे वीडियो के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस बाइक में दोस्तों आपको न्यू डुअल टोन कलर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पहले सिंगल टोन कलर आते थे लेकिन डुअल टोन कलर होने की वजह से ये बाइक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। लुकिंग वाइज बाइक काफ़ी बेटर हो गई है कम्पेयर टू ओल्ड वन। दोस्तों इंजन के बारे में बात करें तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, पहले की तरह सेम इंजन आपको बाइक में देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद थी कि इंजन का पावर बढ़ाया जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं। इसमें आपको सेम इंजन देखने को मिल रहा है, टायर साइज सेम है, लुकिंग वाइज सेम है, कलर चेंज किया गया है, कोई भी फेयरिंग में चेंज नहीं है, कोई भी व्हील में चेंज नहीं है, कोई भी ब्रेकिंग में चेंज नहीं है। बस नॉर्मली ये जो चेंजेस मैंने आपको बताया इतने चेंज बाइक में किया गया है। और प्राइस जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया गया, थोड़ा कम प्राइस बढ़ाना था मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की इसमें क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट पर भी ज़रूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, ऐसी वीडियो और चाहते हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन करना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके, आप मेरे नए एंड लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सकें।